बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एनपीएच के न्यू कोर्स में आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आज इस कोर्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीएच को इंस्टॉल करेंगे, तब उसके बाद हम फिर इसमें काम करेंगे कि आप एनपीएच को किस काम के लिए यूज़ करते हैं, इसमें आप डिफरेंस काम को किस तरह करते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एंड इंस्टॉलेशन करते हैं एनपीएच की। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेटअप फाइल पर जाती हूँ। ओके, मेरे पास जो एनपीएच का वर्जन है वो हमारे पास 2009 है। सही है, वर्जन 3.0.5 है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इस सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करना है। ओके, तो ये मेरे पास वेलकम पेज है 2009 का एन पेज का, जो कि वर्जन है 3.0.5। आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप इसको देख सकते हैं एंड एक्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर कंपनी नेम है, तो आप अपना नाम दे, मीन जरूरी नहीं कि कंपनी का सही नाम हो, मतलब अपना नाम दे दें ताकि ये आपके पास प्रोसेस हो जाए। सही है, इसके बाद फिर इसके लिए मैं लोकेशन को सिलेक्ट करूँगी। मैं कोई और लोकेशन सेलेक्ट करती हूँ, मेरे पास सी है तो, और ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि आप जो इन पेज को इंस्टॉल करती है तो आपके पास स्पेस कितना होना चाहिए। तो अब देख ले, 27.2 MB स्पेस आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास इस फाइल का इंस्टॉलेशन हो। एंड अभी मेरे पास जो स्पेस अवेलेबल है वो इतना GB है। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद मैं शॉर्टकट को मतलब वो करती हूँ या कौन सा, तो इसमें से आप एक को सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी। ओके, इसको रीड करने के बाद मैं क्या करूँगी कि मीन अभी रेडी हो रहा है इंस्टॉलेशंस के लिए, तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रा चेक कर लें एंड फिर क्या करना है, नेक्स्ट। सही है, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो फिर आप इसमें बैक में जा सकते, चेंजेस करके कर सकते, वापस यहाँ आएंगे एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अभी तो आप देख सकते हैं एनपीएच 2009 प्रोफेशनल सेटअप इंस्टॉलेशन हो रहा है एंड सारे जितने भी फाइल है वो लोड हो रहे हैं। ओके, अभी जो इंस्टॉलेशंस है वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो आप लोगों ने फिनिश पर क्लिक करना है, तो आपका जो इंस्टॉलर है वो एग्जिट हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। सही, तो अब मेरे पास जो है ना एनपीएच इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, चेक करना है कि आया मेरे पास ये इंस्टॉलेशन हो गया है कि नहीं हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने और एज में आना है, जिस तरह ये सॉफ्टवेयर हमने कल किए थे, तो ये हमारे पास यहाँ सामने है। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो है ना ये सारे हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर है, आप देख सकती है मेरे पास एनपीएच का जो भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तो आप ये सारे इस तरह देख सकते हैं। सही है, तो सिंपल तरीका है। अब मैं उसको ओपन करती हूँ, किस चीज़ को, एन पेज को। तो आप लोगों ने जस्ट एन पे एन पी देना है, तो ये आपके पास आज के डेस्कटॉप पर हमारे पास इसका आइकन है। ओके, ये अभी हमारे पास एन पे 2009 जो है ओपन हो रहा है। सही, ये ऐसे ऐसे में से जाएंगे, आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अभी आपको जो ये ग्रे कलर का जो स्क्रीन नज़र आ रहा है ये कुछ और नहीं है, ये आपके पास एनपीएच का इंटरफेस है। सही है, तो अब ये एक क्या है, अभी आपको सिंपल सिंपल चीज़ें लग रही है, आप समझेंगे कि यहाँ हम राइटिंग कहाँ करेंगे। तो एनपीएच का बेसिक काम हमारे पास उर्दू अरबी मतलब इस तरह राइटिंग है,
तो आप कहेंगे कि हम यहाँ राइटिंग का कहाँ किस तरह करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि आप लोगों ने सारा कुछ किस तरह करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें कोई इशू आ रहा है, समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल NPH के किसी दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।